तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ मेरे गांव का यानी मेरे विलेज का होम टूर। तो ये है हमारे गांव का घर। तो यहाँ से होते हैं एंटर होते ही ये नीचे पूरा कच्चा है। यहाँ पर हमारी बकरी बनती है, जैसे हमारे दो बकरी है, एक बकरी का बच्चा है। और इस साइड में पेड़ पौधे लगे हुए, एक कनेर का पेड़ है जो कोरोना के टाइम हमने लगाया था, अब इतना बड़ा हो गया। और आपको दोनों साइड मिलेगी बनी हुई चातरी, राजस्थान में बोलते हैं चातरी। उसके बाद और थोड़ा अंदर एंटर होते हैं क्योंकि हमारा घर खुला है। तो ये है पूरा इतना बड़ा हॉल। हमारा घर बंद नहीं है, वैसे ढाणी में रहते हैं पर खुला घर बनवाया हमने। और उसके बाद ये है हमारा किचन। तो देखिए कुछ ऐसा इस तरह का दिखता हमारा किचन, क्योंकि कोई रहता नहीं है, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं सब बाहर ही रहते हैं। तो ये ऐसा ही रहता है, साफ सफाई थोड़ी कम होती है क्योंकि एक हमेशा रहता है तो अच्छा रहता है। और ये यहाँ से सीढ़ी ऊपर जाने का है। और ये बाथरूम है, उसके बाद ये एक रूम है, इसमें ये पिलंग है जो मेरे सबसे छोटी वाली देवरानी का है। और इधर बीड़ा रखा है, और घर का कुछ दान वान होता है वो इसी रूम में रखते हैं क्योंकि दूसरे रूम के दरवाजा नहीं, एक ही के लगा हुआ है। उसके बाद आता है ये सेकंड रूम जो ये बीच में है, तो थोड़ा छोटा ही बनवाया है। उसके बाद ये है दो अलमारी, जो एक मेरी है और एक सबसे बड़े वाली जेठानी की है। और ये थोड़ा छोटा ही रूम है। उसके बाद ये आता है तीसरा रूम, ये है मेरा रूम। और इसमें आपको मिलेगा ये पिलंग है, ये भी मेरे देवर का है। और ये पीछे जंगला है जहाँ से पूरा खुला है, पीछे तो अच्छी हवा आती है। और ये मज्जू बोलते हैं इसमें, जैसे राली वगैरह ज़्यादा कुछ हो गया, गादी वादी वो इसमें रखते हैं। और ये छोटी वाली पेई है जो मेरी है, मेरे पापा ने दी थी। और ये पीछे खुला है, तो पूरा पीछे खुला है तो गर्मी के टाइम अच्छी हवा आती है। और उसके बाद ये और एक किचन दो है। तो ये किचन यूज़ नहीं होता अभी क्योंकि एक ही किचन यूज़ करते हैं, सभी बाहर रहते हैं। तो इस किचन में कुछ ज़्यादा सामान हो वो यहाँ रख देते हैं, बाकी किचन एक ही यूज़ होता है क्योंकि कोई रहता नहीं है। तो उसके बाद ये एक और रूम है, रूम चार है। और इस रूम में आपको कुछ नहीं मिलेगा रखा हुआ, पूरा खाली है, सिर्फ एक पूजा रूम है यहाँ पर। और क्योंकि बर्तन वगैरह कुछ सजवाने की चीज़ें हम रखते नहीं क्योंकि दरवाज़ा नहीं है, आंधी वांधी आए, आपको पता है राजस्थान में कितनी आंधी आती है। और ये दो अलमारी आपको यहाँ और मिलेगी क्योंकि मेरी सास के पांच बेटे हैं और पांचों बहू आती है, तो पांच अलमारी है। और ये पूजा रूम है इसमें, और ऊपर कुछ नहीं रखते क्योंकि आंधी आती है तो सारा गंदा हो जाता है और कोई रहता नहीं है। उसके बाद ये हम आ गए, हमारे भैंस का बाड़ा है, राजस्थान में बोलते हैं भैंस का बाड़ा। तो ये हमारी एक ही भैंस है और कुछ इस तरह का है। इधर के साइड पूरा अभी चारा नहीं है, ख़त्म हो चुका क्योंकि बारिश होने वाली है तो फिर से आएगा। और थोड़ा इधर जैसे कुत्तर खाकला उसको बोलते हैं, वो इधर साइड में रखा है, एक भैंस है। और ये यहाँ ये भी थोड़ा ही है अभी क्योंकि ख़त्म हो गया, जैसे हमारे यहाँ बेरा में पानी नहीं है, जैसे बारिश के टाइम जो बोया वही होता है, सर्दियों के टाइम हम कुछ नहीं बोते, पानी हो तो गेहूं वगैरह बो देते हैं पर पानी है नहीं। उसके बाद ये देखो पूरा आपको खुला मिलेगा, पूरा अभी बारिश आएगी, बारिश के टाइम में बोया जाता है, इससे पहले ये गर्मी का टाइम है। तो पूरा जिस चारों तरफ देखोगे खुला मिलेगा, कि गांव की बात ही है लेकिन ये सब खुली हवा देख के अच्छा सुकून मिलता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक, प्यारा सा शेयर और सब्सक्राइब कर।